शांति। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। आज का प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है, किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है। उत्तर है, ऊंची अवस्था बनानी है तो पहला नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है, दूसरा अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया, तीसरा है नींद को जीतने वाला बनना है, चौथा पुराने शरीर की संभाल भी करनी है फिर इसे भूलना भी है, पांचवा है दैवी स्वभाव बनाना है, स्वभाव में वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है, छठा है सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है, सातवां सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है, दूसरा है ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है, रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चात्रक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है, उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी, इसलिए निमित बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से यह कार्य चल रहा है, ऐसे फॉलो फादर अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। मुरली विस्तार से, ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता, अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है, बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है, तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, यह है ज्ञान की सैकरिंग, सैकरिंग की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है, ज्ञान का भी एक ही अक्षर है मन मना भव, सभी से कितना मीठा है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं, बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, जो सदैव खुशी मौज में रहते हैं उनके लिए वह जैसी खुराक होती है,
21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। एक दो की जबरदस्त खातिरी यह करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य मनुष्य की कर ना सके। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं, तब तो गायन है। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है, और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए तीरी अर्थात हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना? फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशुक और माशुक होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यहाँ यह बात नहीं है, यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता? तुम उस माशुक को आने लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हो। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। उच्च से उच्च बाप को बहुत प्यार स्नेह से याद करना चाहिए। वह उच्च से उच्च बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाए। पतित बन गए हो इसलिए कब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना? अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है,
बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं, नैया कोई एक नहीं, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉडफादरली सर्विस, बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ, बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है, शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है, यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है, आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा वो बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त या भ्रुकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसको अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं, जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो, याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब अलाय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। अब फिर पावन बनना है, तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो, भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कब चंचल नहीं होगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो यह मेहनत करो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव अर्थात आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो, बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं, हिम्मते मर्दा तो यह प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है, अब फिर वापिस चलना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है, यह मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जौहर भरना है, मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुलटी बात बोले तो तुम चुप रहो, तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा। ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है, बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में
रहने चाहते हो तो मन मना भव, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों अर्थात आत्माओं तरफ देखो, भाइयों को भी यह नॉलेज दो। यह टेव अर्थात आदत पड़ जाने से फिर कब क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखें, शरीर को देखें ही नहीं। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो। इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे। कूदेंगे थोड़े ही, यह वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की टेव अर्थात आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती हैं हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देता है। यह जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में यह जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है ना। यह नई टेव डालनी है तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है, याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा पाठ ही है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बाप तुम बच्चों को मिलती है। इतना वंडरफुल ज्ञान है, बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है, जो और कोई बता न सके। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम उच्चते उच्च कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहां यह खलास हो जाए। नहीं, इनको जीते रखना है, यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे, उनकी सर्विस करनी चाहिए।
जीता रहे शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्टो मोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए, फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है चाट रखो। बाबा को याद करने समय बाबा से क्या बातें करती, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया फिर भूल गया। अपनी अवस्था को उच्च बनाना बहुत जरूरी है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को सिखलाते जाओ। इसमें नष्टो मोहा जरूर बनना पड़े, पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरा दैवी स्वभाव है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हरेक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उनको निकाल, प्योर डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ कराने लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है, वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो मैल निकल जाए। बाप को याद करते दिल एकदम ठहर जानी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए, बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा, मीठे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बंधेलियां बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती हैं। उन्हों को जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती हैं। बाबा आपसे कब मिलेंगी, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा, ओ बाबा कब आकर सम्मुख मिलेंगी। ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।